हिंदुओं के सबसे अधिक पवित्रतम और सबसे अधिक तीर्थयात्रियों द्वारा पूजित तीर्थ स्थल तिरुपति के मंदिर में भक्तों को बांटे जाने वाले प्रसाद में जिस प्रकार से अपवित्र पदार्थों के शामिल करने की सूचना मिली है, पूरा हिंदू समाज इससे बड़ा व्यथित है, बहुत आहत है। हिंदुओं की भावना के साथ इस प्रकार का खिलवाड़ जानबूझकर और एक लंबे समय तक किया गया, इससे पूरे हिंदू समाज में एक आक्रोश की लहर है और हिंदुओं की आस्थाओं पर बार बार इस प्रकार की चोट करते रहना अब हिंदू समाज को सहन नहीं होगा। विश्व हिंदू परिषद यह पुरजोर मांग करती है कि भगवान तिरुपति के मंदिर के प्रसाद में जिस प्रकार की सूचनाएं आ रही हैं कि उसमें विभिन्न जानवरों का मांस सम्मिलित किया जाता था, यह बहुत ही घृणित कार्य है और असहनीय है। हम मांग करते हैं कि इस घटना की एक पूरी तरह से निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और न सिर्फ इस प्रकार के घृणित और कुकृत्यों पर रोक लगनी चाहिए, बल्कि जो व्यक्ति या अधिकारी इस प्रकार के निर्णय लेने और उनको क्रियान्वित करने के लिए जिम्मेदार हैं, उत्तरदायी हैं, उनके विरुद्ध आपराधिक कार्रवाई करनी चाहिए और उनको सजा होनी चाहिए। और साथ ही विश्व हिंदू परिषद एक लंबे समय से यह मांग करती रही है कि हिंदुओं के देवस्थान मंदिर सरकार के नियंत्रण में नहीं रहने चाहिए, वो समाज के नियंत्रण में, समाज के द्वारा उनका प्रबंध होना चाहिए। ये तिरुपति की घटना विश्व हिंदू परिषद के इस विश्वास को और मजबूत बनाती है कि मंदिरों पर सरकारी नियंत्रण की वजह से राजनीति का प्रवेश होता है। अहिंदू अधिकारियों की वहां नियुक्ति होने से प्रसाद में इस प्रकार की अपवित्रता जानबूझकर लगाई जाती है और इसलिए हम एक बार पुनः मांग करते हैं कि हिंदू पूजा स्थान मंदिर देवालय समस्त सरकारी नियंत्रण से मुक्त होने चाहिए और हिंदू समाज को उनका नियंत्रण और उनका प्रबंधन सौंप देना चाहिए। इसके अंतर्गत और भी कई विषय हैं जिसमें मंदिरों की संपत्ति का दुरुपयोग होता है और उन पर अतिक्रमण होता है, उनको बेचा जाता है और अहिंदू उद्देश्यों के लिए उनका प्रयोग भी होता है। तो वो सब विषय तो अभी हैं ही, परंतु तिरुपति की इस घटना ने हमारे इस विश्वास को और अधिक मजबूत किया है कि मंदिरों पर सरकार का या सरकारी अधिकारियों का किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं होना चाहिए, जिससे हिंदू मंदिरों में पूजा अर्चना की व्यवस्था सुव्यवस्थित रहे और हिंदू तीर्थयात्रियों की श्रद्धा को किसी प्रकार की ठेस नहीं लगे। और हमें विश्वास है कि इस विषय की गंभीरता को देखते हुए आंध्र प्रदेश की राज्य सरकार और भारत के केंद्र सरकार दोनों इस विषय को गंभीरता से लेंगे और लेकर इस पर एक उचित प्रकार की जांच करके और अधिकारियों को दंडित करने का पूरा प्रयास करेंगे और साथ ही इस घटना पर या इस प्रकार की अन्य घटनाओं पर अन्य देवालयों में ये सुनिश्चित करें जो अभी भी सरकार के नियंत्रण में है कि पूजा या प्रसाद में किसी भी प्रकार की अपवित्रता नहीं आने पाए। धन्यवाद।